हेलो, वो आ रहा है। कितनी शर्म आ रही है मुझे। काश मौत होती यहाँ पे तो संभाल लेती सब कुछ। क्या करूं? क्यों बैठी हो? मेरा मतलब वो बेड पे जाके बैठ जाओ। जमीन पर बैठना बुरी बात होती है तो इसलिए कह रहा हूँ। जाके बैग पे बैठ जाओ। अच्छा लाओ अपना हाथ दो। क्या कुछ चाहिए? मुझे पानी चाहिए। Thank you.
चला गया? हाय ला, मैं तो समझ रही थी कि मैं शर्मा रही हूं, पप्पू तो मुझसे भी ज्यादा शर्मीला निकला। अरे वाह, बिस्तर कितना नरम है, तो पूरा महल है महल। तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तक गए क्यों नहीं अंदर? शांत रहो, प्लीज लीव मी अलोन। व्हाट डू यू मीन बाय लीव मी अलोन? हां, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अंदर जाओ। अब क्या तुम्हें धक्के देके भेजना पड़ेगा? मैं तुमसे कह चुका हूं, मुझसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, क्या करूं मैं? तुम उस लड़की को देखा जाके, इतनी मासूम, इतनी सीधी साधी लड़की है यार वो। अरे जानवरों की तरह सुकड़ी बैठी है। तुम क्या चाहती हो, मैं ज़िबा कर दूँ उसे? अल्लाह ने तुम्हारे हक में दिया है उसको। अल्लाह ने उसे मेरे हक में नहीं दिया है। तुम लोग इस दुनिया में खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत पाक साफ रिश्ता होता है, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो राजी है, उसके माँ बाप राजी है, हम राजी है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? मैं राजी नहीं हूँ, मेरा जमीर राजी नहीं, मेरी इंसानियत राजी नहीं। क्या चाहती हूँ मैं, गला घोट दूँ उनका? शट अप, शट अप। बहुत बोल लिए तुम और बहुत सुन लिया मैंने। इज्जत से उसके कमरे में चले जाओ, बीवी है वो तुम्हारी। वो मेरी बीवी नहीं है, सिर्फ एक शादी हुई है तुमसे। चीज का मातम मना रहे हो भाई, नाश्ता करो। अरे कुछ कह रही हूँ मैं? हाँ, दिल नहीं चाह रहा। लो, पहले दूध के लिए तरसते थे, आज मलाई के साथ पराठा भी है तो जी नहीं चाह रहा। अम्मा भाई, खुशी बाजी के बगैर कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। खुशी बाजी? हाँ इनू, अब उनकी शादी हो गई है, हम उन्हें पगली नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा, चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। अम्मा भाई मान लेना इन्हीं की बात, ले चले ना हमें उनके पास। तुम लोगों की समझ में मेरी बात नहीं आती है? एक दफा मैंने कह दिया ना कि इस घर से कोई नहीं जाएगा, बस। ठीक है, मैं नाश्ता करूंगा और ना खाना खाऊंगा। ठहर जा, तुझे तो बड़े नखरे लग रहे हैं ना, सबको ठुकराता है, मर जाए क्या गलियों में। अम्मा, अम्मा अब्बा को देखे। क्या हुआ, देखा अम्मा, अब तो अब्बा ने भी इजाजत दे दी, अब तो ले चले। अरे भाई तुम, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, चूटी की तरह मसल जाएंगे। कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तू जा बाजार से जाके कुछ मीठा ले आ, कोई चीज ले जाने के बहाने ही जाना पड़ेगा। नाश्ता कर ले, नाश्ता कर, नाश्ता कर, नाश्ता कर, बैठ। Thank you.
खुशी खुशी बेटा उठो उठो शाबाश। उठ गई। यहाँ नीचे क्यों सो रही हो? बस ऐसे ही। बिस्तर पे सोती ना? नहीं जी, ऊपर सोने की आदत नहीं है, हमें जमीन पर ही अच्छा लगता। जुनैद कहाँ है? पता नहीं, रात को नहीं आया? आया था, फिर शर्मा कर चला गया। शगुफ्ता! अच्छा बेटा तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। अब तुम हमारे सर पर खड़ी रहोगी क्या? वो आपसे एक बात करनी थी। क्या हो? वो जुनैद रात बहू के कमरे में नहीं सोया? आप उससे मालूम कर लेंगे? हम मालूम कर लेंगे, तुम जाओ। शानजे बहू से मालूम करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। एक बात वो कहे तो मैं बताऊं ना आपको, हर तरह के बहाने तलाश कर रहा। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीब सी लॉजिक्स देता है। उसके हिसाब से तो वो और वो लड़की दुनिया के मजलूम तरीन लोग, और मैं और आप दुनिया के जालिम तरीन इंसान है। रो मत बहू। रो नहीं तो और मैं क्या करूं? औरत के लिए सबसे बड़ी गाली होती है सोकर। मैंने बर्दाश्त कर ली। कोई और औरत अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ खड़ा हुआ भी देख सकती है? मैं वो भी बर्दाश्त करती हूँ, क्यों? सिर्फ इस घर के बाहर इसके लिए। लेकिन वो, उसको ना मेरी कुर्बानियों का कोई एहसास है और ना ही आपके हुक्म का। दिल छोटा मत करो और रो मत। कोई तुम्हारी कुर्बानी को समझे या ना समझे, हम समझते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे बाबा हैं। अपना दिल बड़ा करो और सिर्फ ये बताओ कि जुनैद कहाँ है। मुझे नहीं पता, सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे वो। खादिम, हेलो, जुनैद से बात करवाओ। एक मिनट से होल्ड कीजिए। यस सर, चेयरमैन साहब का फोन है। उन्हें किसने बताया कि मैं ऑफिस में हूँ? मैंने सर। तुम उसे पूछ तो लिया करो। सॉरी सर, वो मैं। अच्छा, मिलवाओ।
अस्सलाम वालेकुम डैड। अब तुम हमारे बाप बनने की कोशिश करोगे? नहीं डैड, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो हमसे पूछे बगैर सुबह सवेरे तुम ऑफिस कैसे चले गए? जी वो एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी बिजनेस मीटिंग के लिए, तो इसलिए आ गया मैं। हमारा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? फोन? हाँ वो फोन वो कार में रह गया था, मैं लाना भूल गया हूँ। फौरन से घर पहुंचो। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। अल्लाह खाला, मैंने सुना है पगली के लिए नाश्ता ले जाया जा रहा है। हाँ बेटा, उसकी पहली सुबह है ना, लेके तो जाना पड़ेगा ना बेटा। मैं भी चलूंगी साथ, मुझे भी पगली से मिलना है। तुम किसी और दिन चलना। अगर मुझे उससे आज मिलना है, कसम से उसकी बहुत याद आ रही है खाला, ले चलो ना साथ। कह दिया ना शम्मो, किसी और दिन ले चलूंगी। ओफो खाला, पता नहीं किसी और दिन कब आएगा। मुझे उसका घर देखना है, उससे ढेर सारी बातें करनी है, सहेली हूँ मैं उसकी। ले चले ना अम्मा, इतना बड़ा घर है कि शम्मो के लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं होगी उधर। अरे बेटा बात जगह की नहीं है, तुम लोग क्यों नहीं सब। बस अच्छा किया तू आ गई, तो एक काम कर, तू अपनी का ध्यान रखना, बस हम फटाफट देकर आते हैं। नहीं ले चलना तो ये बोलना खाला, बात क्यों बदल रही है? बात नहीं बदल रही बेटा, मैं तो वैसे एक बरेली को लेकर परेशान थी कि उसका ध्यान कौन रखेगा, अकेला होगा ना। अब तू आ गई है ना तो मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। मेरी बेटी नहीं है? बेटी होती तो साथ लेके जाती ना। पक्का वादा, अब की जाऊंगी ना तो तुझे लेकर जाऊंगी। ठीक है चलो बच्चे, चलो देर हो रही है, चल चल ना, चल चलो आ बेटा, चल। हाँ हाँ चल आ जा, ध्यान रखना। हाँ खाला ख्याल रख लूंगी, फिक्र नहीं करें। अब तो बात तय है, कोई गड़बड़ तो जरूर है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग भाभी। शर्माओ नहीं, अपने ही घर समझो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बैठो बेटा, नाश्ता करो। अब ये हमारे साथ नाश्ता नहीं करेगी। शाजी तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा?